मध्य प्रदेश की चार सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए जहां कांग्रेस और भाजपा नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा सीट के लिए मतदान शुरू हो गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अलीराजपुर जिले में पहली बार दिव्यांग व 80+ मतदाता घर बैठकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। आपको बता दें, जिले के जोबट विधानसभा में 30 अक्टूबर को मतदान होना है, किंतु निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में पहली बार दिव्यांग व 80+ के मतदाताओं के लिए घर बैठकर मतपत्र से मतदान की प्रक्रिया संचालित 21 से 23 अक्टूबर 3 दिन तक की जा रही है। जोबट विधानसभा उपचुनाव में 348 दिव्यांग व 80+ मतदाता है, जिनके लिए 15 मतदान दल बनाए गए हैं। साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर भी प्रत्येक दल के साथ नियुक्त किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के निर्देश के अनुरूप जो कोरोना के मरीज हो, 80+ हो और दिव्यांग हो, तो इनके लिए जो EVM को मतदाता के घर ले जा करके और वहाँ वोटिंग की प्रक्रिया आज शुरू की गई है। जो जारी मतपत्र हैं 348 लोगों को जारी हुए हैं और उसमें कोरोना का तो कोई केस नहीं है जिले में, तो इसलिए कोरोना के किसी मरीज को मतपत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। दिव्यांग और 80+ के मतदाताओं को मतपत्र जारी किए गए हैं। 15 टीमें बनी हैं जो 15 रूट पे आज उन्होंने जाके और शुरू किया है। अभी तक 11 बजे की जो सूचना थी उसमें 11 लोगों ने मत प्रदान कर दिया है अपना, तो ये आज, कल और परसों 21, 22 और 23 तारीख को ये मतदान किया जाएगा। और कोई अगर अपने निवास स्थान पर किसी कारण से नहीं रहते हैं तो उन्हें एक मौका और दिया जाएगा और उन्हें ये पूर्व में ही सूचना दी जाएगी कि टीम दूसरी बार कब आएगी। इसमें हमने पोलिंग पार्टी बनाई है, पुलिस के ऑफिसर साथ में हैं, मजिस्ट्रेट साथ में हैं, सेक्टर ऑफिसर साथ में हैं और हमने सभी जगह इसकी कम्युनिकेशन टीम भी बनाई है ताकि उनका मूवमेंट हमको पता चलता रहे और पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप ये कार्रवाई कराई जा रही है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद बुजुर्गों सहित ऐसे लोगों को बड़ी राहत मिली है जो मतदान केंद्र तक जाने में असमर्थ थे, अब वह भी लोकतंत्र के इस महाकुंभ में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। अलीराजपुर से सुमित सालवे की रिपोर्ट।